नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था श्लोक, इस श्लोक हमने लिखने भी थे और इनकी व्याख्या अर्थ हिंदी बनानी थी और हमने याद भी करने थे कंठस्थ, जैसे नमंती फली नव वृक्षा गुणी नमंती गुणी नोजना, ऐसे करके हमने ये कंठस्थ थे याद भी करने, शब्दार्थ लिखने थे हमने और याद करने थे। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज, आज हम करेंगे अभ्यास कार्य, आज करेंगे अभ्यास कार्य। ये बेटा श्लोक दे दिया, इसमें से क्वेश्चन छाड़ने हैं। एक पदेन उतरते, एक पद में कार्याणि केन सिद्धन्ते, कार्याणि किससे सिद्ध होता है, उद्यमेन, केन तृतीय वचन है तो अर्थ भी उत्तर भी तृतीय वचन में हो जाएगा। मनोरथी कार्य न सिद्धन्ते, मनो इच्छा से क्या काम क्या सिद्ध नहीं होता, कार्याणि कार्य इच्छा से काम सिद्ध नहीं होते ना। कस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, तो किसके मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। आलस्येन इति पदस्य विलोम पदम चिन्हित्वा लिखते हैं, इनमें से आलस्य का जो विलोम पद है बेटा वो चुनना है, तो आलस्य का क्या हो जाएगा, उद्यमेन आलस्य और उद्यमेन परिश्रम। परविशन्ति इति क्रिया पद पदस्य है कर्तृपदम की, परविशन्ति क्रिया है तो करने वाला कौन है बेटा, हिरण, क्योंकि हिरण ही उसके मुंह में प्रवेश नहीं करेगी ना, तो कर्ता कौन हुआ, मृग, और परविशन्ति क्या होगा, क्रिया। अगला श्लोक है बेटा विदेश धर्म, इसमें से भी ऐसे एक छात्र है, विद्या कुत्र धर्म भवती, विद्या को कहाँ का धन माना है, विदेशेषु, विदेश विदेशों में विद्या को ही धर्म माना है। केशु मति धर्म भवती, कहाँ बुद्धि को धन माना गया है, वैष्णेशु मुसीबतों में। सर्वत्र किम धर्मवति, सबसे बड़ा धन क्या है, शीलम सर्वत्र वही धर्म, सबसे बड़ा क्या है बेटा, चरित्र। अधर्मिति पदस्य विलोम पदम चिन्हुत, अधर्म का विलोम पद क्या हो जाएगा, धर्म। बुद्धिति पदस्य पर्यायवाची, बुद्धि का पर्यायवाची क्या है बेटा, मति, मति मतलब बुद्धि। विद्या विनियम ददाती, विद्या क्या स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्वेश्चन भी क्या बन जाएगा, का। विनियात कस्मात, उद्यमेन केन, विदेशेषु केशु, मृगा प्रथमा बहुवचन है तो क्या बन जाएगा, के, शीलम किम। आगे दिया है बेटा मंजूसायम प्रदत्तय पदय अन्वय पूर्यते, जो अन्वय बनाया था जैसे श्लोकों का, ये नीचे वाला क्या है, ये अन्वय है, ये जो अन्वय बनाया था इस अन्वय को पूरा करना है, जैसे फलिनो फर्स्ट आ जाएगा वृक्षा, गुणिनो जना, शुष्क वृक्षा से मूर्खा च, कदाचन कदाचन न, इसका फलिन फलदार वृक्ष झुक नमन करते हैं, गुणी लोग नमन करते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी भी नहीं झुकते। आगे है बेटा अथोलिखित वाक्य यानी शुद्धम कृत्वा लिखते हैं, लिखे हुए वाक्यों को शुद्ध करके लिखो, फलिन वृक्षा नमंती, क्योंकि फलिना क्या है बेटा, वृक्ष कितने हैं, जो फलदार वृक्ष है तो बहुत हो गए ना, तो नमंती आ जाएगा। विद्या विनयम ददाती, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से कार्य बहुवचन हो गया ना बेटा। मृग न प्रविशन्ति, मृग भी बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन होगी। गुणी न जना नमंति, इनको जिनके नीचे अंडरलाइन है इनको शुद्ध करके लिखना था बेटा। आगे है विनियात याति पात्रताम, विनम्रता से हमें क्या मिलती है, पात्रताम या योग्यता। उदार चरिता नाम वसुंधैव कुटुंबकम, बड़े हृदय वाले पूरी पृथ्वी को ही अपना भाई बंधु संबंधी या अपने परिवार मानते हैं। तस्य जीवितम सफलम, उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्यमेन कार्याणि सिद्धन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है। परलोके धर्म धन धर्म धर्म, परलोक में धर्म को धन माना है। अथो लिखित शब्दान अर्थ ही सहमेरियत, लिखे हुए शब्दों के साथ उनका अर्थ मेल करना है बेटा। निज अपना, वसुधा पृथ्वी, कदाचन कभी भी, उद्यमेन परिश्रम से, वैष्णेशु मुसीबतों में, मति बुद्धि, 6 3 5 1 2 4। संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं तो क्या जाएगा बेटा, गुणिनो जना विनियम भवंती, गुणिनो जना विनियम भवंती, गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। वृक्ष वृक्ष फल देते हैं तो अनेक वृक्ष वृक्ष फल देते हैं तो क्या आ जाएगा, वृक्षा फलम यचंती, वृक्षा फलम यचंती। विद्या विनम्रता देती है, विद्या विनम्रता देती है तो क्या आ जाएगा बेटा, विद्या ददाती विनयम, विद्या ददाती विनयम, विद्या ददाती विनयम, विद्या विनम्रता देती है।
जो परिश्रम करता वह सफल होता है। यत परिश्रमम करोति स सफलम भवति। यत परिश्रमम करोति स सफलम भवति। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। परिश्रम के बिना जीवन व्यर्थ है। बेटा अगर ऐसे लगाए परिश्रम के तो षष्ठी एकवचन है, लेकिन बिना शब्द आ जाएगा तो द्वितीय भी बन सकता है, तृतीय भी बन सकता है और पंचमी भी बन सकता है, तो हमने तृतीय में बना दिया। उद्यमेन विना जीवनम व्यर्थ अस्ति। उद्यमेन विना जीवनम व्यर्थ अस्ति। वह निर्धन को धन देता है तो वह को के लिए अर्थ में होगा ना बेटा, देने के लिए, दादा दाती, तो चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। स निर्धनाय धनम यस्ति। स निर्धनाय धनम यस्ति। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या वही श्रेष्ठतम धनम अस्ति। विद्या निश्चय रूप से ही श्रेष्ठ धन है। जिसकी वाणी मधुर होती है उसका जीवन सफल होता है। वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। फिर आगे आगे बेटा मूल आधारित प्रश्न आए शिक्षण के नमंती। कौन कौन नमस्कार नहीं करता। शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य न नमंती। सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। दूसरा बेटा केशम वसुधै कुटुंबकम। केशम कौन पूरी पृथ्वी को अपने परिवार मानता है। उदार चरिता नाम केशा नाम के स्थान पे क्या जाएगा, उदार चरिता नाम वसुधै कुटुंबकम। विद्या किम ददाती, विद्या क्या देती है। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनयम ददाती। चतुर्थ है बेटा कार्याणि कई न सिद्धन्ति। कार्य किससे सिद्ध नहीं होते, कार्याणि कई किससे सिद्ध नहीं होते बेटा, मनोर्थई। कार्याणि मनोर्थई न सिद्धन्ति। कार्य मनोर्थ से सिद्ध नहीं होते। सर्वत्र किम धनम भवति, हर जगह क्या धन है। सर्वत्र शीलम धनम भवति, सर्वत्र शीलम धनम भवति। बेटा ये जो है विद्या विद्या विनम्रता देती है, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं विद्या ददाती विनयम भी कर सकते हैं और विद्या विनयम ददाती, विद्या विनयम ददाती भी कर सकते हैं और विद्या ददाती विनयम। ये हो गया बेटा आपका चैप्टर। आपने नोटबुक में करना है, नोटबुक में सिर्फ शब्दार्थ और ये दो नोटबुक में करने हैं बेटा। और आपने ये पूरा लेसन आज 2 और 3 के बीच में पूरा लिख करके चेक करवाना है और बेटा याद भी करना है आप लोगों ने। थैंक यू, गुड ब्लेस यू बेटा। और बेटा जब आप ये मैसेज भेजते हो ये चेक करवाने के लिए, तो आप क्लास सेक्शन नेम रोल नंबर जरूर लिख के भेजा करो। थैंक यू बेटा।